जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, मैं स्वामी राजर्षि शनि पीठ मंदिर ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से आज आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ और एस्ट्रोलॉजी में रुचि रखता हूँ। 10 वर्ष की आयु से ही मैं अपने पूजनीय पिता श्री गुरु रजनीश ऋषि जी के निर्देशन में एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी एवं दंत ग्रंथों का अध्ययन कर रहा हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है जिसके सिद्धांतों को हमारे ऋषि मुनियों ने वर्षों की तपस्या से और रिसर्च कर हमारे धर्म शास्त्रों में अंकित किया है। मैं आज इन्हीं वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर और आज के ग्रह नक्षत्रों की स्थितियों के आधार पर आपको आपका राशिफल बताने जा रहा हूं। तो क्या कहते हैं आपके सितारे, कैसा रहेगा आज आपका दिन, क्या करें क्या ना करें, किन चीजों से सावधान रहना है, यह सब जानने के लिए आखिर तक देखते रहिए आज का राशिफल। प्रिय भक्तगणों, आज मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि पिछले एक साल में जो हमने आपसे जो प्यार पाया है, जो आपने अपने स्नेह और आशीर्वाद हमें दिया है, जिस कारण आज हम 50,000 सब्सक्राइबर्स हैं, सीधे 10,00,000 सब्सक्राइबर्स की जो आंकड़ा है उसको पार कर चुके हैं, उसके लिए मैं आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया करता हूं। प्रिय भक्तगणों, ऐसे ही आप सभी हमें अपना प्यार देते रहें और हमारी वीडियोस को पसंद करते रहें, यही हमारी आशा है। जिन भी भक्तगणों ने हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मेरा अनुरोध है कि वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे हर लेटेस्ट वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो उन तक सबसे पहले पहुंच सके। हमारी इस वीडियो को लाइक करें, उसको शेयर करें, उस पर अपना नाम लिख के कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। मैं आशा करता हूं कि आप भारी से भारी संख्या में अपना कमेंट्स के माध्यम से हमें प्यार इस वीडियो को अवश्य ही दें। आज 2 नवंबर 2019 दिन शनिवार, कार्तिक मास का शुक्ल पक्ष चल रहा है और आज पंचमी तिथि मध्यरात्रि 12:51 तक रहेगी और उसके पश्चात षष्ठी तिथि लग जाएगी। आज अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:43 से लेकर 12:26 तक रहेगा। इस दौरान किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करने से आपको उसमें सफलता प्राप्त हो। आज राहु काल सुबह 9:21 से लेकर 10:43 तक रहेगा। इस दौरान आप किसी भी शुभ कार्य को करने से परहेज करें। प्रिय भक्तगणों, आज मैं आप सभी को छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं और ये आशा करता हूं कि आप पर आपका परिवार सदैव सुख से परिपूर्ण वातावरण में रहे, आपके घर में सदैव ही शांति बनी रहे। तो चलिए अब जानते हैं कि आज का दिन वृषभ यानी कि टॉरस राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। आज अपने छोटे भाई का साथ निभाने से आपके पूरे परिवार की उन्नति होगी और आपके आपसी संबंध आज मजबूत होंगे। इससे आपके माता पिता जो को भी आज खुशी मिलेगी कि उनके बच्चे साथ में मिलकर प्रगति की राह पर अग्रसर हैं। जिन भी व्यक्तियों का अपना होटल या रेस्टोरेंट है, आज का दिन उनके लिए अत्यंत खुशनुमा रहने वाला है। आज आपके कस्टमर्स आपकी सर्विस से अत्यंत प्रभावित होकर आपके रेगुलर कस्टमर्स बन जाएंगे और आपकी माउथ पब्लिसिटी करके आपको और कस्टमर्स दिलवाने में भी सहायक होंगे। परंतु आज आपके गृहस्थ जीवन में आप तनाव का माहौल बना रहेगा और सुबह ही अपने लाइफ पार्टनर के साथ कलह होने से आज आपका मूड ऑफ हो सकता है। छोटे बच्चों के आज बीमार पड़ने की संभावना भी दिखाई दे रही है, इसलिए उनके माता पिता आज सावधानी बरतें। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके बच्चे आए दिन बीमार पड़ जाते हैं जिससे उनकी पढ़ाई पर भी बुरा असर पड़ रहा है, तो तुरंत ही स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर हमें संपर्क करें और मुझसे यानी कि स्वामी राजर्षि से अपने बच्चों की कुंडली दिखवाकर ऐसे उपाय प्राप्त करें जिनसे निश्चित तौर पर आपके बच्चों का स्वास्थ्य सदैव उत्तम बना रहेगा और उनकी पढ़ाई में भी उन्हें फायदा होगा। वृषभ राशि वालों, अगर आपका अपना मकान नहीं है और आप अपना मकान बनाने का सपना साकार करना चाहते हैं, तो आपको अपने हाथ में एक मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित रूबी की अंगूठी अवश्य ही धारण करनी चाहिए। यदि आप स्वयं
गुरु रजनीश ऋषि द्वारा अभिमंत्रित अंगूठियों को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अभी ही स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर हमें संपर्क कर सकते हैं। किसी भी रत्नों की अंगूठी को खरीदने से पूर्व आपको अपनी कुंडली का अध्ययन किसी योग्य एस्ट्रोलॉजर द्वारा अवश्य ही करवा लेना चाहिए। और यदि आप हमसे ज्योतिष परामर्श लेना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। अगर आप में से कोई भी व्यक्ति असली सर्टिफाइड पन्ना, रूबी, नीलम, पुखराज, हीरा या किसी भी रत्न की अंगूठी को स्वयं बनाकर मंत्र सिद्ध करके पहनना चाहता है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर जाकर आप ऑनलाइन इन रत्नों को अपने घर पर बैठे ही मंगवा सकते हैं। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 2 स्टार देता हूं। भक्तगणों, इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पूर्व मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यदि आपका या आपके बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं आ पा रहे हैं, या नौकरी मिलने में समस्या हो रही है, या नौकरी तो मिल गई है पर प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, इनकम से ज्यादा खर्चा हो जाता है, ट्रांसफर हो रहे हैं, शादी नहीं हो पा रही है, या आपका अपना घर नहीं बन पा रहा है, आपका जो व्यापार है उसमें वृद्धि नहीं आ पा रही है, आपके पास धन की कमी बनी रहती है, या आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, आप हर समय बीमार रहते हैं, या आपके बच्चे बीमार रहते हैं, या अन्य ऐसी किसी भी समस्या से आप पीड़ित हैं, तो आप स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर, हमारी वेबसाइट पर जाकर, या ईमेल के माध्यम से, या व्हाट्सएप वीडियो कॉल के द्वारा गुरु रजनीश ऋषि जी से, या गुरु मां रुक्मणी जी से, या न्यूमरोलॉजी के माध्यम से अपने लिए या अपने बच्चों के लिए एक लकी नाम जानने के लिए, अपने व्यापार के लिए एक भाग्यशाली नाम जानने के लिए, जिससे कि आप दिन दुनी रात चौगुनी प्रगति करें, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, जिसके लिए आपको एक छोटी सी फीस जरूर देनी होगी, जिसका प्रयोग शनिपीठ मंदिर की व्यवस्था चलाने के लिए, हमारे द्वारा गरीब लड़कियों के लिए फ्री कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलाने के लिए, घर कर्म के काम जैसे कि यज्ञ महायज्ञों के आयोजन के लिए, प्रसाद एवं लंगर के वितरण के लिए किया जाता है। आपके द्वारा दी गई इसी फीस में से हम अगले दिन प्रमुख रूप से आपके नाम से आपके लिए पूजा अवश्य करते हैं। प्रिय भक्तों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो चमत्कारी उपाय जिसे करने से यदि आप किसी भी प्रकार की सरकारी दिक्कत का सामना कर रहे हैं, जैसे कि आपके कार्य में कोई भी सरकारी बाधा आ रही हो, चाहे वो आपकी फाइलें अटक जाना हो, या कोई नेसेसरी परमिशन न मिल पा रही हो, या सरकार से संबंधित किसी भी कार्य में रुकावट आ रही हो, तो आज इस उपाय करने से निश्चित तौर पर आपके सभी सरकारी काम बनने लगेंगे। आज आप रात को आग जलाएं और उस आग को दूध से बुझाएं। जब आप आग को बुझा रहे हो उस समय आप सूर्य देवता को याद करें और उनसे आशीर्वाद मांगें। यदि आज आप श्रद्धा पूर्वक इस उपाय को करते हैं तो निश्चित तौर पर जल्द से जल्द आपके जो सरकारी काम है वे बनने लगेंगे। नाम वरुण घोष है, हम कलकत्ता से दिल्ली में आया था और दिन कुछ इधर उधर बहुत पंडित के पास गया था, कुछ काम नहीं हुआ, फिर अचानक इधर एक राजेंद्र प्लेस में गुरु जी का बैनर देख के हम इधर आया था। फिर हम नाक पहना है, पहनने के बाद हमको पहले से बहुत ही अच्छा काम हो रहा है। और लोगों को भी हम बोलना चाहता है जे आप लोगों का कुछ प्रॉब्लम गुरु जी के पास आइए, गुरु जी आप लोगों का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करेंगे। क्या आपके बच्चे का मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लग रहा? क्या आपका बच्चा होमवर्क करने के बजाय टीवी सीरियल देख करके बिगड़ रहा है? क्या आपका बच्चा किसी बुरी संगत में पढ़कर बिगड़ गया है? तो आज ही 133 देशों में प्रसिद्ध शनि मंदिर वाले परम पूज्य गुरु रजनीश ऋषि जी से अपनी सभी समस्याओं का समाधान जानिए।
अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।